The bandwidth in a stop and bait ARQ is 1 Gbps, and 1 bit delay to make ground trip is 30 microseconds. If the system data frames are 2000 bits in length, then what is the percentage of the utilization of the link? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंडविड्थ दिया गया है, पूछा गया है कि उसका यूटिलाइजेशन कितना हो पा रहा है। तो मैक्सिमम हम लोग चैनल से कितना भेज सकते हैं, 1 Gbps का स्पीड है। इसका मतलब क्या कि 1 बिट को हमें सेंड करने में 10^-9 सेकंड लगेगा, और यदि हम लोग माइक्रो सेकंड की बात करें 10^-3 माइक्रो सेकंड लगेगा। तो हम यदि 1 बिट के लिए निकाल लें और 1 माइक्रो सेकंड में निकाल लें, तो हमारा 1 माइक्रो सेकंड में कितना बिट आ सकते हैं, 1000 बिट्स आएंगे। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फ्रेम की साइज जो है 2000 बिट्स दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग राउंड ट्रिप की जो बात कर रहे हैं, राउंड ट्रिप दिया गया है 30 माइक्रो सेकंड। सो राउंड ट्रिप इज नथिंग बट या सपोज दैट दिस इज द सेंडर साइड, दिस इज द रिसीवर साइड, सो सेंडिंग द डेटा एंड एक्नोलेजमेंट इज कमिंग बैक, सो दिस इज द RTT। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब RTT 30 माइक्रो सेकंड दिया गया है, तो 30 माइक्रो से 1 माइक्रो सेकंड के लिए 1000 बिट को ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो 30 माइक्रो सेकंड में 30000 बिट हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि फ्रेम की जो साइज है 2000 बिट है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहां से डायरेक्ट यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि आपका RTT क्या है, 30000 बिट्स, एंड फ्रेम की साइज कितनी है, 2000 बिट्स। सो 2000 by 30000, यदि हम परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक, सो यू विल गेट 6.6%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होता, सिंपल मैथमेटिक्स और सिंपल आप यूनिट देख करके समझ सकते हो कि हमको किस तरह से अप्लाई करने हैं। सो आप प्रैक्टिस करें इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने का, सो दैट यू विल नॉट लिव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन गेट एग्जामिनेशन और अदर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन।